तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एंड्योरेंस के बारे में और फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों एंड्योरेंस एक एबिलिटी होता है एक ऑर्गेनिज्म का, जो वो अपने आप को एक्सर्ट कर पाए और एक एक्टिव फॉर्म में ज़्यादा देर तक रह पाए, और जो बहुत सारे मुश्किलों को और बहुत सारे हार्ड वर्क को वो विथस्टैंड कर पाए और उससे वो रिकवर कर पाए। और जो भी उसको चोट लगता है और वूंड्स होते हैं उससे वो यूज्ड टू हो जाए। ये हो सकता है, तो दोस्तों ये हो सकता है एरोबिक एक्सरसाइज में और एनारोबिक एक्सरसाइज में। जब हम रेसिस्टेंस के लिए ट्रेन करते हैं, ये एक एबिलिटी है जो स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करता है। जब तक हम अगर रेसिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करेंगे और हमारे वर्कआउट के हिसाब से इनफ प्रोपोन बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक लेंगे तब कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग ही करते रहेंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो आपके स्ट्रेंथ पे अफेक्ट पड़ सकता है। जब एक पर्सन वो जो रेप्स कर रहा है, मतलब आप इसमें देख सकते हैं, मैं सबसे पहले जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मुझसे एक पुशअप भी नहीं लगता था। जब मैं 9th के एंडिंग में था, ऑलमोस्ट 10th क्लास में जाने वाला था, तब स्टार्ट किया था मैंने, तब मुझसे एक पुशअप भी नहीं लगता था। मुझे ऑलमोस्ट तब पुशअप सीखने में ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लग गए थे। तो मुझे वो इसलिए हुआ था इतना देर क्योंकि मेरे प्रोटीन इंटेक कम था और मैं जो फूड के एंड्योरेंस के लिए जो फूड ऐड करने चाहिए थे वो मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन अब मैं ऑलमोस्ट 15 to 30 पुशअप्स, नहीं 30 to 40 पुशअप्स एक सेट में आराम से लगा देता हूँ। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स से ट्रेनिंग कर रखी है। मैं स्पेसिफिकली पुशअप्स पे तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तब कभी कभार करता ही रहता हूँ पुशअप्स। तो मैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम प्रोग्रेस हो रहे हैं पुशअप्स में, मतलब जब हम पहले से ज़्यादा रिप्स लगा पा रहे हैं, जब हमने पहले लगाया था उससे ज़्यादा रिप्स हम लगा पा रहे हैं, जब हम कह सकते हैं कि हम हमारा स्ट्रेंथ थोड़ा हमारा एंड्योरेंस जो है वो इम्प्रूव हुआ है। जब हम रेसिस्टेंस एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है जो हमें पॉजिटिव माइंडसेट देता है, और जितना ज़्यादा हम एंड्योरेंस गेन करते रहेंगे उतना ज़्यादा हम में जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और ये सारे जो फीलिंग्स है, एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है ये सारे कम होते जाते हैं। नर्वसनेस भी हमारा कम होता है, स्ट्रेस भी हमारा कम होता है। मैंने मेरे स्ट्रेस वाले वीडियो में बताया था कि सेरोटोनिन फील गुड हार्मोन करके एक रिलीज़ होगा, वो आपके स्ट्रेस को भी कम करेगा जब आप वर्कआउट करेंगे, और हमारे कार्डियोवास्कुलर कंडीशन को भी वो इम्प्रूव करता है, हार्ट और लंग्स के फंक्शनिंग को भी वो इम्प्रूव करता है। तो आप चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जो फूड एंड्योरेंस के लिए ज़रूरी है। जो फूड एंड्योरेंस के लिए ज़रूरी है उसमें आता है, सबसे पहले हमारा कैफ़ीन आता है। कैफ़ीन हम ऐड कर सकते हैं विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क, हम ऐड कर सकते हैं वर्कआउट से पहले। ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स को बढ़ाएगा। और कैफ़ीन क्या करेगा कि हमारे ब्रेन में फोकस और कंसंट्रेशन जो है उसको इम्प्रूव करेगा और हमें टायर्ड होने से कम करेगा। हम कम टायर्ड होंगे और ज़्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहेंगे हमें जो भी वर्कआउट करना है या जो भी सुपर या जेन सेट परफॉर्म करना है उस पर। और हमें हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी होता है, मतलब एपिनेफ्राइन नाम की एक हार्मोन रिलीज होती है, वो हमारे बॉडी में रिलीज होके फाइट और फ्लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करता है, जिसके वजह से जब हमें फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है तब हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है और हमारा फैट बर्निंग भी और एफिशिएंटली होता है कैफ़ीन लेने के वजह से। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन पर भी आपका फैट टैप हो रहा है या आपका नॉर्मल मसल या वाटर टैप हो रहा है वो डिपेंड करेगा। उसके बारे में जानने के लिए आप मेरे हाउ इज़ फैट बर्न वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं,
एंडोर्फिन्स भी हम ये रिलीज करता है जो फील गुड हॉर्मोन्स है, और ये हीट को ज़्यादा बर्न करने में हेल्प करेगा। मतलब हम ज़्यादा स्वेट करने लगेंगे, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगे, ज़्यादा ग्लाइकोजन बर्न होगा, तो ज़्यादा स्वेट करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और हमारे बॉडी में जो मसल्स है वो भी और अच्छे तरह से एक्टिवेट होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल एक्टिवेशन में भी ये हेल्प करता है। तो दोस्तों, और एक चीज़ जो आती है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। वो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है कि जो जैसे कि वाइट राइस है, नान है, वो सारे चीज़ें 1 घंटे में हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जल्दी जाके डाइजेस्ट हो जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे टाइम में। और वो अगर हम बर्न नहीं करें जल्दी से तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप जैसे कि आप रोल्ड ओट्स है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये रेसिपी बाय द वे मेरा है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़ा सर्च करके आप देख सकते हैं ये रेसिपी को, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो इसमें रोल्ड ओट्स में आप 1 कप ओट्स या हाफ कप ओट्स, जितना आपका बॉडी वेट है, जितना आपको खाना चाहिए, उसके साथ क्रैनबेरीज, रेजन्स और एप्पल, और उसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सिनेमन डाल सकते हैं, थोड़ा सा आलमंड्स डाल सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे रेसिपीज बनाए हैं, ब्लूबेरीज डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। ओट्स आप ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आप 2 घंटे पहले अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। जब आप रनिंग करेंगे या स्पोर्ट्स खेलेंगे आपको फ्लूएल मिलेगा, क्योंकि जब हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रहते हैं तो हमें इतना ज़्यादा ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेसिस्टेंस ट्रेनिंग में थोड़ा सा दिक्कत आता है। वहीं अगर हम कुछ खा के अच्छे तरह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा के जाएंगे तो वो स्लो डाइजेस्टिंग है, तो वो धीरे धीरे से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा लंबे समय तक। एक और चीज़ आता है आपका पीनट बटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एग वाइट्स पे 2 टेबल स्पून पीनट बटर लगाया और उसके ऊपर थोड़ा सा एप्पल बनाया, ये भी मेरा खुद का रेसिपी है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे चेक कर सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आप ये स्मूथी में डाल सकते हैं, या मैंने जैसा एग वाइट्स में बनाया वैसा डाल सकते हैं, या ओट्स में डाल सकते हैं, ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं, बनाना ब्रेड टोस्ट बना सकते हैं, वो तो बहुत टेस्टी रहेगा। ये भी टेस्टी है बाय द वे, इसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है, आपके हार्ट और ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करेगा। पीनट बटर जो कि है वो भी स्लो डाइजेस्टिंग है, फैट है तो स्लो डाइजेस्टिंग है, आपको परफॉर्मेंस के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करेगा। 2 घंटे वर्कआउट से पहले या 2 घंटे वर्कआउट के बाद आप ये खा सकते हैं, 2 घंटे वर्कआउट से पहले और 2 घंटे वर्कआउट के बाद, अच्छा रहेगा, ट्राई करिए एक बार। एक और ऑप्शन आपके पास है जो चिक पीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर और किडनी बीन्स मैंने यूज़ किया हुआ है, और आप ऐसा किडनी बीन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, राजमा, काले राजमा, कोई भी राजमा आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ 1 कप ब्राउन राइस में, या पनीर के साथ या चिकन के साथ, आप आपके खुद के रेसिपी जो सब्जी में बनाते हैं थोड़ा ऑयल कम यूज़ करके आप उसके साथ ये खा सकते हैं। मैंने जो गुरुमान सर ने थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो नहीं बताया था वो भी मैंने इस वीडियो में थोड़ा आपको बताया है, तो आप गुरुमान सर के वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे एंड्योरेंस की बात करें तो मैं बचपन में बहुत, मुझे ऑलमोस्ट स्टेप स्टिक से चढ़ना तक नहीं आता था, जब मैं 4th या 5th में था, तो तब से मैं प्रैक्टिस करता था बहुत, क्योंकि मैं बचपन से इतना ज़्यादा एथलेटिक नहीं था। जब मैं 4th 5th 6th 8th वो एज पे आया तो मैं और थोड़ा ज़्यादा एथलेटिक होने लगा, तो जब मैं धीरे से वो एज में आते लगा तो मैंने स्लोली फुटबॉल में पार्टिसिपेट करना, थोड़ा एथलेटिक बनना स्टार्ट किया था। लेकिन जब तब मैं मुझे ये सारे न्यूट्रिशन के बारे में ये सारे चीज़ें नहीं मालूम थे, तो मैं वर्कआउट करता था 2 से 3 घंटे, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता था, बहुत सब कुछ करता था, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं मैक्सिमम जो भी मैच खेलता था थोड़े मैचेस में जीतता था, लेकिन बहुत मिनिमल थे। मैक्सिमम मैचेस आई यूज़ टू लूज़, लेकिन आई यूज़ टू वर्क हार्ड। अब मुझे पता चला है जो फूड ऐड करने चाहिए जो मुझे एंड्योरेंस में हेल्प करेंगे बिल्ड होने में, लेकिन अब तो मुझे पता है ना जो फूड मुझे ऐड करने चाहिए, और मैं काफ़ी ऑलमोस्ट 2 से 3 ईयर्स से मैं अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करते करते बहुत ही अच्छा फिजिक जो मैंने अचीव किया है,
इससे भी अच्छा कम बॉडी फैट में मैं जाऊंगा और आपको एक अच्छा बॉडी अपडेट दूंगा मई 3rd वीक में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे न्यूट्रिशन में मिस्टेक ना करें कि आप वर्कआउट कर रहे हैं और न्यूट्रिशन गलत ले रहे हैं। आप पोन बॉडी वेट, आपका प्रोटीन जो भी आप ले और आपका गोल के हिसाब से आपको कैलोरिक सरप्लस में खाना है, डेफिसिट में खाना है। आप मेरे ओवर वेट वैसे संडे वेट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, चाहे तो आप गुरमान से के भी प्रोग्राम्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उनके प्रोग्राम इसलिए आपको फॉलो करने को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 1.5 से 3 ईयर्स तक उनके प्रोग्राम के न्यूट्रिशन प्लान फॉलो कर चुका हूँ और जो भी उन्होंने वर्कआउट बताया, न्यूट्रिशन बताया, वो मैं फॉलो किया, खुद पे टेस्ट किया, मुझे उसका करेक्ट रिजल्ट आया। आप चाहे तो फिर से मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो एक बार रिवॉच कर सकते हैं, अगर या आप नहीं देखे तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देखिए। और अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करिएगा गाइस, मैंने जो गलती किया है वो आप ना करिए। और दैट्स इट गाइस, और नेक्स्ट तो दोस्तों, मेंटल एंड्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी टफ सिचुएशन है, कुछ बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, उसके गो थ्रू आप कैसे जा पा रहे हैं, मतलब इतने टफ सिचुएशंस होते हुए भी आपके लाइफ में आप गेट ऑन कैसे कर पा रहे हैं, वो होता है मेंटली एंड्योरेंस का मतलब। अब दोस्तों, मेंटली एंड्योरेंस में मैं बहुत वीक था, जैसे कि मैं फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल एंड्योरेंस में बचपन से ही वीक था। तो मैं बचपन में जब था, मैं बहुत सोचता था, मतलब मैं कुछ करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं कुछ कह दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये लोग क्या सोचेंगे ये विचार में मैं खो जाता था, और मेरे काम जो कि था मैं वो कर नहीं पाता था। बेसिकली मैं मेरी ज़िंदगी इसके बेस के बेस पे जीता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे। लेकिन धीरे धीरे होते मेरे 10th और 11th थोड़े से ख़त्म होने के बाद मुझे हिंदू धर्म के बारे में धीरे से मालूम पड़ा था। तो हिंदू धर्म में यही होता है ना, सुख दुख के समय में हमारे विचारों में ना खो के हमारा जो मेन गोल है उसके आधारित पे करेक्ट डिसीजन लेके काम करना। तो जैसे ही मुझे हिंदू धर्म के बारे में, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी सुख दुख समय गुरुद्वा लाभ लाभ जया जो सुखम विद्या जया दुखम सहयोगी परम होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे स्ट्रेस वाले वीडियो में बताया, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे भारत हमारे हिंदू धर्म के बारे में और थोड़ा मालूम पड़ने से, और वो एक्चुअली क्या मालूम पड़ा था मुझे उसके बारे में मैं आप बताऊंगा, रुकिए। तो दोस्तों, बहुत पहले का नहीं, मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल ही देता हूँ। मेरे दोस्तों को मैं मिशन इंडिया फिट के बारे में बोलता था और ऑलमोस्ट सारे लोग अग्री करते थे और न्यूट्रिशन प्लान भी लेते थे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो कि एक दो मेरे मे बी मेरे क्लासमेट्स हो जो भी हो, एक बंदा तो कह रहा था कि अगर आप ऐसे ही हिंदू धर्म को मतलब अच्छा फॉलो करते हुए, बाहर की परिस्थितियों को ना अफेक्ट करते हुए अगर आप चलते रहेंगे तो किसी के घोड़े के बीच में कुछ स्टिक कुछ डाल दे तो वो गिर जाएगा ना, ऐसे भी आप ही गिर जाएंगे। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, अगर मैं मेरा कर्म करते हुए मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरा काम जो भी है वो करते जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे बोलता हूँ कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ, कि मैंने लड़की भी छोड़ दिया था बहुत ही यंग एज में, 15 में ही मैंने लड़की छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम अचीव करना था, तभी मेरा कंडीशनिंग हो पाया था और मैं अच्छा डाइट मेंटेन कर पा रहा था, और मेरा मेन पर्पस ये है कि लाइफ का मैं मेरे लाइफ को लोगों को चेंज करना, मतलब लोगों को भी अच्छा न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करना, इंडिया को 2030 तक सिकेस्ट कंट्री ना होने से रोकना। मैं उसके बारे में ऑलरेडी मिशन इंडिया फिट में बता चुका हूँ आपको वो वीडियो में, वो ये नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो मैं ये विचार में नहीं कर रहा था कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या कह रहा है, और मेरा गोल जो कि था मैं फोकस था उस पर। तो उसके लिए मुझे हिंदू धर्म में एक्चुअली इतना क्या था मैं वो आपको अब बताऊंगा। तो दोस्तों, एक और एग्जांपल ये है कि मेरे दोस्त एक बार ग्रुप में चैट कर रहे थे, वो लोग बात कर रहे थे सेक्स के बारे में, और सेक्स का टॉयस जो भी है वो उसका लिंक भेज रहे थे। तो मैं बोलता हूँ उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ, तो वो लोग मुझे गे बोलते हैं और ऐसे चीज़ें बोलते हैं, लेकिन तब मैं बोलता हूँ उससे सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जो सुखम विद्या दिया दुखम सहयोगी परम होता, मतलब ये चीज़ें सारे वो कह रहे हैं, ये सारे हमारे मन के विचार हैं, इनमें ना खो के मैं मेरे गोल पे फोकस था क्योंकि मुझे मालूम था दैट आई लव द गर्ल आई लव एट द एज ऑफ 15, और मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ एवरी डे, और
अगर वो लोग मेरे बात नहीं सुनेंगे तो इंडिया में और ऑलरेडी 5 करोड़ 82 लाख लोग तक है, वो लोग मेरे बात सुनेंगे और वो लोग बदलेंगे। एंड मुझे हैप्पीनेस इसमें नहीं मिला था कि मैं एक्चुअली हैप्पीनेस ढूंढ रहा था। हैप्पीनेस मुझे लड़की में नहीं मिला, ना ही कुछ अचीव करने में मिला, ना ही मुझे मेरे फ्रेंड्स बदलेंगे, इसमें मुझे हैप्पीनेस नहीं मिला। मुझे हैप्पीनेस इसमें मिला था कि मैं मेरे काम को कितने कमिटमेंट के साथ कर पा रहा हूँ, मैं मेरे वर्कआउट जो भी है कितने कमिटमेंट के साथ कर पा रहा हूँ, मैं लोगों को जो हेल्प करने का मेरा गोल है मिस इंडिया फिट के बारे में वो मैं कितने कमिटमेंट के साथ कर पा रहा हूँ, और मैं मेरे न्यूट्रिशन कितने अच्छे तरह मेंटेन कर पा रहा हूँ, मैं मेरा स्टडीज़ कितने अच्छे तरह कर पा रहा हूँ, मैं मेरे करियर पे कितने अच्छा फोकस। हैप्पीनेस लास्ट में मुझ में ही मिला, तो मैं मेरे गोल पे फोकस था। तो अब बताऊंगा आपको हिंदू धर्म के बारे में, भारत के बारे में, सुनिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों ये सारे मुझे प्रतीक बोराड़े सर के वीडियो देखने से मुझे थोड़ी चीज़ें मालूम पड़े थे। उसके बाद मैंने भी खुद भगवद गीता के पूरा सुना था, 14 आवर्स जो भी था, मैं जिम में एवरीडे 2 आवर्स 2 आवर्स करके मैं ईयरफोन लगा के वर्कआउट करते समय सुनता था। इससे मुझे मालूम पड़ा था कर्म के फल के बारे में, ना सोचते कर्म करते रहना है, मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए वो वर्क करते रहना है, मेरा बेस्ट देते रहना है। तो ऐसे ही मुझे धीरे से चीज़ें मालूम होने पड़े। और एक दिन मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि अगर तुम गीता नहीं छोड़े तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो मैं उससे बोलता हूँ कि वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो हज़ार, तिल तिल चाट काटो चाहे गोदो अंग कटर। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो फिर भी मैं मेरे हिंदू धर्म जो भी है, जो भी मैंने सीखा है हिंदू धर्म से और जो भी मेरे अच्छे विचार है मैं उस पर खड़ा रहूँगा, मैं जो भी मेरे वेद शास्त्र से सीखा है उसके उससे मैं बैक स्टेप कभी भी नहीं लूँगा। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें सीखने से मैं खुद डिप्रेशन से उभर पाया हूँ, और ये सारे चीज़ें मुझे अब भी टफ सिचुएशन जो भी मेरे लाइफ में हो रहे हैं या जो आने वाले हैं उनसे निपटने की शक्ति मुझे देते ये सारे चीज़ें। और जो दोस्तों मैं इसके बारे में और थोड़ा एलाबोरेट करूँगा। और बोल्ड होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो लड़के काम कर लो पहनते हैं, जैसे कि रिसेंट फोटोशूट हुआ था, पूरा ब्रतनी ने किया था किरा अडवाणी का और किसी और था। तो बोल्ड होने का एक्चुअली ये मतलब होता है कि हम हज़ारों मुश्किलें होते हुए भी हम खुद को और खुद के परिवार को और समाज को उन्नत कर रहे हैं। और मैं खुद को और मेरे परिवार को तो उन्नत किया है और मैं समाज का उन्नत करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो में आपके लिए आपसे शेयर करने का किया, क्योंकि मुझे देख के लोग बदलेंगे। जैसे मैंने प्रॉब्लम्स को टैकल किया वैसे ही लोग भी टैकल करेंगे। जो मैंने सीखा है आप लोगों को भी सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। इसके बारे में जो प्रतीक बोराडे ने सर ने कहा था वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत करके है हमारा देश का नाम। तो भा का मतलब होता है ज्ञान, मतलब संलग्न रहना। रथ का मतलब होता है रत रहना। हमारी नई जनरेशन जो है इनको हमारे हिंदू धर्म के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है और चीज़ों का गलत मतलब ले लेते हैं। तो जिस भूमि के लोग हमेशा रत रहते हैं और उनके भूमि के बारे में सोचते हैं उस भूमि को हम भारत कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म एक्चुअली कुछ धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब होता है गुण, जैसा पानी का काम होता है गुण होता है बहना, मतलब फ्लो होना, और अग्नि का धर्म होता है गर्मी देना और प्रकाश देना, मतलब हीट देना और लाइट देना। हमें हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। मनुष्य को जीवन मुक्ति का मार्ग बताना, जीव को शिव बनाना हमारे धर्म में है। हर परिस्थिति में, लाभ हानि में, अपमान में, सम रहना, क्रोध चिंता में प्राप्त होकर समत्व की स्थिति को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसमें अनेक अलग अलग रास्ते हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ बताते हैं।
इसमें जो भी रास्ते हैं ऐसा जाने के लिए, लाभ हानि में जो भी हमें प्रॉब्लम्स होता है, जैसे लूफी को उनके ब्रदर मर गए थे और जो भी रीज़न के वजह से लूफी खुश है, ऐसा हमारे जीवन में भी लाभ हानि ये सारे रहते हैं। इन हर परिस्थितियों में हमें सम रहना और मनुष्य के जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, हमारे एंड गोल को प्राप्त करना हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में सारे चीज़ों में है। तो पहला ये होता है दोस्तों, ज्ञान योग, मतलब विवेक का उपयोग करना, मतलब हमारे प्रॉब्लम जो भी है उसके बारे में सोच के उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, ऐसे हमें एक जीवन मुक्ति का मार्ग मिलता है, इसको हम कहते हैं ज्ञान योग। और दूसरा ये है दोस्तों भक्ति योग। भक्ति योग का ये मतलब होता है कि भक्ति योग के बारे में, मतलब जो लोग ज्ञान योग और कर्मयोग नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों के लिए वेद व्यास ने भक्ति योग बनाया, मतलब भगवान को पूजा करना, एक मूर्ति में भगवान को देखना, ये ज्ञान योग होता है। कर्मयोग जो कि मेरा है करेंटली, मतलब सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करना ही नहीं, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ या पढ़ाई करता हूँ, जो भी करता हूँ, हर एक चीज़ में मैं ऐसा काम करता हूँ कि जैसे मैं भगवान को सर्व कर रहा हूँ, उतने कमिटमेंट से, उतने क्या कैसे बोल सकता हूँ मैं, उतना उस काम से जुड़ के, उस काम से उतना प्यार करके मैं उस काम को करता हूँ। और सब में भगवान देखता हूँ, हम में भगवान देखता, मुझ में भगवान देखता हूँ और मेरे आसपास जो लोग हैं उनमें भी भगवान देखता हूँ, ऐसे अहंकार का मृत्यु हो जाता है, अहंकार यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म हमें, हिंदू कोई धर्म ही नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल जैसा बता रहा हूँ, मतलब आपको और अच्छा समझाने के लिए, जीव को शिव बनाने की कला हमारी संस्कृति सिखाती है, सारे बंधनों को तोड़कर ईश्वर बनने की कला हमारी संस्कृति सिखाती है, ऐसे ही हमारे ईश्वर सभी सवाल, इसमें हम ईश्वर से सभी सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्यों है हमारा हिंदू धर्म, हम ऐसे ही क्यों फॉलो करें, हमें प्रश्न पूछने का पूर्ण रूप से अधिकार देता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है रामायण में, और कृष्ण और अर्जुन का प्रश्नोत्तर है भगवद गीता में, लेकिन हमारी न्यू जनरेशन ये कहता है कि हम भारतीय हैं, लेकिन हम किसी धर्म को नहीं मानते, भारतीय संस्कृति कोई धर्म है ही नहीं, ये सारी चीज़ें इनको मालूम ही नहीं होता है, ये तो उन्हें जानते ही नहीं, और अपने ही देश के संस्कृति से वो लोग नफरत करने लगते हैं, ये बहुत ही दुखी बात है दोस्तों। ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं गांधी जी को मानता हूँ लेकिन उनके विचारधारा को मैं नहीं मानता, गांधी वेद को मैं नहीं मानता, तो आप किस बात के गांधी जी को मानते हो? और मैं भगत सिंह जी को तो मानता हूँ लेकिन भगत सिंह जी के विचारों को मैं नहीं मानता, किस बात के भगत सिंह को मानते हो? सूरज को पसंद करता हूँ लेकिन सूरज की किरण मुझे पसंद नहीं है, मतलब सनरेस मुझे पसंद नहीं है, ऐसे कह के वो व्यक्ति अगर उस अपने आप को एक डार्क रूम में रह जाए तो उसका ही तो हानि है ना। अगर वो भारतीय है, इतने अच्छे भारतीय संस्कृति जो हमें इतना सारे चीज़ें सिखाती है, इसको अगर वो ना मान के चले तो उसका ही तो नुकसान है। भारतीय संस्कृति मनुष्य प्राणी की कल्याण की मार्ग मार्ग करती है। पेड़ पौधों में और सांप में, जानवर में, मनुष्य में, सब में ईश्वर देखने का ये सीख हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। वसुदेव कुटुंबकम सर्वो भवन्तु सुखी बिंदु भवन, हमारे हमारे इसी संस्कृति ने विश्व को योग दिया, आयुर्वेद दिया, कवाहल संस्कृति और ग्रणित मंद, ये ग्रणित का और मन बुद्धि ध्यान का, ये सारे चीज़ों की खोज जो भी है ये हमारे देश में ही हुए हैं, तो इस सारे चीज़ों को सम्मान करना हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। लेकिन ये सो कॉल्ड लिबरल जो कि न्यू जनरेशन है, मतलब मेरे दोस्तों को भी मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें करते हुए, वो अपने ही देश के संस्कृति से नफरत करने लगते हैं, ये बहुत दुखी है,
क्योंकि ये बिना जाने बगैर कोई अपने ही देश संस्कृति से नफरत करने लगता है। ये सारी चीज़ें उनको मालूम ही नहीं होता है, लेकिन वो उनके ही देश की संस्कृति से नफरत करने लगते हैं, तो ये बहुत गलत है। थोड़े लोग ये कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये बात हमारी नई जनरेशन को अपने ही देश से संस्कृति से नफरत करवाने लगती है, दूर ले जाती है। हमारी देश के संस्कृति से हमारी जनरेशन को दूर ले जाने की निंजा टेक्निक है एक्चुअली। ये जो लोग कहते हैं, ये वही लोग होते हैं जो रात भर काले होकर पौन देखकर खा पी कर सो जाते हैं, दूसरे दिन फिर से वही काम करने लगते हैं। ऐसे लोग ना उसके जीवन का कुछ कर सकते हैं और दूसरों ना दूसरे जीवन का कुछ पल कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर उनको खुद के जीवन का और दूसरों का, परिवार का कुछ बदलना है, तो इंसानियत का अगर उनको कुछ अच्छा बनाना है, भला करना है, तो हमें और उनको भी, जो ये सो कॉल्ड लिबरल्स है, हमारी जो लोग रॉन्ग दिशा में जा रहे हैं, हमारे संस्कृति के पास वापस आना पड़ेगा। जैसे कि दुख के समय इसमें जैसे नारुतो भी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आप के दोस्तों पर ही अटैक करने लगता है, और जब वो बहुत दुखी होता है तब वो रोते रहता है, लेकिन उसको वो कब उनके लोगों को बचा पाता है, जब उसने सारे जीवन मुक्ति का मार्ग पता लगा, मतलब हर परिस्थिति में सम रहने की कला जब उसने सीखा है, जब उसने ध्यान किया था, और एट द लास्ट उसने उसके अंदर जो बीस्ट है, उसको नाइन टेल्स है, जो कुरुमा है, उसको कंट्रोल किया था। ऐसे ही हमारे विचारों पे हमें जो सुख दुख, लाभ हानि और मोद, अलग अलग तरह, अलग अलग तरंग जो उठते हैं हमारे चित्त में, उसके दर्शक बनकर मन पे नियंत्रण रहना हमें सीखना चाहिए। जब हम ये सीखेंगे तब हम हमारे परिवार को, इंसानियत का, समाज का भला कर सकते हैं। नहीं तो हमारे मन जो कि है वो हमारे सोच में भटकाता रहेगा। जैसे कि नारुतो अगर गुस्से में रहता था तो वो नाइन टेल्स के काबू में आ जाता था, कुरुमा के काबू में आ जाता था, और वो गुस्से में ही जाके सबको मारने लगता था, उनके जो खुद के टीम में जो उनको भी मार देता था। जैसे वैसे ही अगर हम हर परिस्थिति में हमारे विचार में हम खो जाएंगे तो हमारा गोल जो है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं इसको एक आपका और एग्जांपल देता हूँ। जैसे लूफी और सांजी लड़ रहे होते हैं, और ऐसा होता है कि एक सिचुएशन में सांजी जो कि लूफी के क्रू का कुक है, ये होता है बिग मॉम के आर्क में होता है ये एक्चुअली कहानी जो भी है, तो सांजी को ये बोल दिया जाता है कि उनके खुद के जो जो लोगों ने इनको इसको पाला पोसा था लूफी के क्रू ज्वाइन करने से पहले, अगर ये बिग मॉम के साइड छोड़ देंगे तो अगर वो उनके जो भी है उसका प्रिंस नहीं बनेंगे तो वो उन लोगों को मार देंगे, जो बराटी का ओनर है, जो ओल्ड मैन सांजी का ख्याल रखता था बचपन में, वो उन लोगों को मार देंगे। तो और सांजी ये भी बोलता है कि मैंने खुद के कैप्टन को, जब वो फाइट बैक नहीं कर रहा था फिर भी वो खुद के कैप्टन को मारता है, तो मैं रिटर्न नहीं आऊँगा। तो लूफी ये सारे चीज़ों को ख्याल में ना रखते हुए कहता है कि हाँ, तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो वो बताओ। मतलब लूफी इससे इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि ये सारे बाहर के परिस्थितियाँ हैं, मतलब तुम्हारे प्रॉब्लम्स जो भी है, लेकिन आपके अंतरात्मा क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो कहने का बोलता है। तो सांजी बोलता है कि हाँ मैं, तो लूफी सांजी से पूछता है, तो सांजी उसमें रोते हुए बोलता है कि मैं एक्चुअली क्रू में रिटर्न आना चाहता हूँ। तो लूफी उसके साथ एग्री करता है और ये बोलता है कि ठीक है, हम पूरे होल के काइलाइन को तोड़ के जाएंगे इधर से। तो ऐसे और सांजी इससे पहले ये भी कहता है कि उनके
जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन लूफी उससे नहीं मानता है और फिर से हम फाइट करेंगे, फाइट करके जाएंगे करके बोलता है, क्योंकि लूफी का एंड गोल ये था कि वो सांजी को। तो दोस्तों ये होता है कि एक्चुअली अंग्रेज़ हमारे धर्म ग्रंथों का गलत विकृत करते हैं, तो गलत ट्रांसलेट करते हैं। उनके उद्देश्य था कि हमारे संस्कृति जो हमारे धर्म पे गर्व की भावना हमको है वो ख़त्म करे। अगर वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से ये सारे चीज़ें निकाल देंगे उसको, और वो रिप्लेस करेंगे किसी और चीज़ों से, तो हम उसको ही पढ़ेंगे, ना ही किसी को अब पढ़ना है तो वो भी वो जो ट्रांसलेट किया गया ब्रिटिश वालों से ज़रा वही पढ़ेंगे, तो वो जो उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है हम लोग वही पढ़ेंगे। जब ब्रिटिश हमारे भारत आए थे तो उन वो ये देखते हैं कि काफ़ी विदेश आक्रांता आकर गए हैं, पोर्चुगीज हो, डच हो, मुगल हो, इन सब ने ये इन सब ने क्या किया था कि हमारे संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। पोर्चुगीज ने हमारे इंस्टीट्यूशन इनक्यूएशन करने का प्रयत्न किया था, मतलब जो लोग चर्च में जाते थे अगर वो क्रिश्चियन या बनने का वो अग्री नहीं करेंगे तो वो ये लोगों को मार देंगे। ये गोवा में हुआ था, टेंपल्स बहुत सारे तोड़ देते थे, मंदिरों को बहुत अनेक अनगिनत मंदिरों को उन्होंने तोड़ा था। ब्रिटिश ने ये देखा था कि एक्चुअली ये चीज़ों को पोर्चुगीज ने किया था, ब्रिटिश ने ये चीज़ों जब पोर्चुगीज ऐसे मार देते थे इंक्विजिशंस लगा के हमारे भारतीय को अगर वो क्रिश्चियन जैसे नहीं बदलेंगे, तो ब्रिटिश ने ये देखा था कि मुगल भी इतने ज़्यादा चीज़ें किया और पोर्चुगीज़ वालों ने भी इतने ज़्यादा चीज़ें किया, अनगिनत यातनाओं को छत्रपति शिवाजी ने भी किया, बट लेकिन वो लोग इतने जुड़े हुए थे कि वो उनके हिंदू धर्म के पीछे नहीं जा रहे थे। संत रानश्य ने कहा जब उनसे उनको फोर्स किया गया था धर्मांतरण करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो जाहे गोदो अंकटर, मतलब आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो मैं वेद धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो ये ब्रिटिश लोग समझ गए थे कि इन लोगों को कुछ फिजिकल हिंसा से वो लोग मतलब वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और वो ऐसा प्लान था कि वो अपने संस्कृति से हमें ही हेट करवाने का प्लान बनाया था, गुरुकुलों को ख़त्म करवाना उन और उनके भाषा को प्रमोट करना। अब उनके फल फूल रहे, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, मेरे थोड़े खुद के ही दोस्त हैं जो बहुत ही गुस्सा होता है जब मैं भगवद गीता के बारे में बोलता हूँ या ऐसे चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, तो वो लोग ऐसा हो जाए कि हमारे देश के संस्कृति पे हमें नफरत आने लगा है। अब हमारी नई जनरेशन का एक पार्ट ऐसा है कि वो हमारे हिंदू संस्कृति को ही हेट करता है। ये अंग्रेज़ ने हमें नॉर्थ और साउथ में बांटा, और हमारे जो ग्रेट वॉरियर्स थे जो लोग हमारे देश के लिए लड़ते थे उनके लिए भी एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने पूरा चीज़ों को रीराइट किया था और आर्यन वर्सेस द्रविड़ियन उस थियरी को भी अब गलत साबित कर दिया गया। इसके बारे में प्रतीक बोराडे सर ने और अच्छे तरह से समझाया है, दीपिका वर्सेस द्रौपदी वाले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप एक बार देख सकते हैं।